नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फार्मिंग विजन। आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, जैसे आप समय समय पर इस चैनल पे ट्रैक्टर रिव्यू और ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखते रहते हैं, उसी हिसाब से और उसी कड़ी को अग्रसर करते हुए हम आज आपके लिए एक बेहतरीन ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के हिसाब से। तो ये है न्यू फोलैंड 5620, जो कि 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 65 HP का, और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसमें आपको 3 सिलेंडर में 65 HP की ताकत देता है ये। और इसके कलर की बात करूँ तो मेटेलिक पेंट मिलता है इसमें आपको, जैसे कि न्यू होलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको मिलता है, और ऊपरी पंप आपको इसमें दिखाई दे ही रहा है। इसमें जो पावर स्टेयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग एक्टिविटिंग रोड वाला है, डबल एक्टिंग नहीं है ये। और इसके फ्रंट टायर साइज़ की बात करूँ तो 750/16 का और 1630 का आपको रियर टायर मिल जाता है इसमें आपको। साइड में आप देख रहे हैं ये फ्यूल ट्रेन का एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो ऊपर वाले फिल्टर हैं, नीचे वाले फिल्टर हैं, ऊपर वाले फिल्टर नीचे लग जाते हैं और नीचे वाले फिर घूमते रहते हैं। ये बता तो रहे थे कंपनी वाले कि जो शुरू वाला फिल्टर है, जो टंकी वाली साइड से शुरू होता है, वो फिल्टर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला चेंज हो जाता है। इस तरह कुछ सर्कुलेशन सिस्टम है इसका, तो मतलब ये लंबे टाइम तक काम देते हैं। और ये इसका जो आप देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम, ये ऑयल कूलिंग है, इंजन ऑयल जो कूलिंग सिस्टम है वो है, रेडिएटर के साथ ये सर्कुलेशन मोशन में चलता रहता है इसके नीचे से कूलेंट। और इसमें आपको फाइबर का टैंक मिलता है और जो ऑयल टैंक है, और 12 वोल्टेज 55 एम्पेयर का इसमें आपको अल्टरनेटर मिलता है, और 180 Ah की बैटरी मिलती है आपको, 12+3 UG गेयर बॉक्स जो कि काफ़ी फेमस है न्यू होलैंड की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कि सेफ्टी के लिहाज से आपको ऊपर जो रूफ मिलता है, कैनोपी मिलता है, हार्डेंड मटेरियल से बनी हुई है, जिससे बाय चांस मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर ट्रैक्टर पलट भी जाता है तो ड्राइवर की जान और जान सुरक्षित रहती है। अगर जान सुरक्षित है तो सब कुछ है। किसान भाई और बड़े किसान हैं उनके लिए एक और सुविधा है जो इसमें स्काई वॉच टेक्नोलॉजी दी हुई है। अगर आपका ड्राइवर काम करता है तो ट्रैक्टर में आपको सब कुछ पता चलता रहता है कि कहाँ आपका ट्रैक्टर चल रहा है, कितना फ्यूल है उसमें, जो कुछ डिटेल्स होती हैं ट्रैक्टर की वो सारी आपको आपके मोबाइल पे दिखाता रहता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और बाकी इसके डिज़ाइन वाइज लुक्स वाइज तो आप देख रहे हैं 3630 के जैसा ही है। और वेट की बात करूं तो लगभग 2500 किलो के आसपास ओवरऑल वेट है इस ट्रैक्टर का, जिसमें ऑयल जो हाइड्रोलिक ऑयल है, टैंक का ऑयल है, इंजन ऑयल है, सब कुछ इंक्लूडेड ही होता है। और ये लिफ्टोमेटिक बटन है जो, जैसा कि बताते हैं, भी सबसे पहले न्यू फोलैंड ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था ये। और ये डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर है जो पीछे ऑक्सिलरी वाल्व हैं उनका, और 12+3 UG गेयरबॉक्स काफ़ी फेमस। इसमें थोड़ा जो प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा ट्रैक्टर देखते हुए थोड़ा बैठने में वैसे कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा भीड़ भाड़ सा, अगर भारी भरकम आदमी तो उसके लिए थोड़ा खुला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और इसमें हब रिडक्शन ही आता है पीछे भाइयों, और 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी, जिसमें आपको एक सिलेंडर
भी मिलता है जो कि लिफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए होता है, और ये जो